कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने सोमवार को नंदा नगर स्थित टीबी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी दिनेश कुमार, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने टीबी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों की जानकारी ली तथा व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा कि कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए अस्पतालों की व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि सोमवार से टीबी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज की जा रही है। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील किया है कि बिना मास्क के घरों से बाहर ना निकले, 9 बजे के बाद घरों में ही रहे क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी और जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा जो बढ़ती संख्याओं को देखते हुए चौकी और थानों में हर जगह कोविड हेल्प डेस्क स्थापना पहले से भी उसको पुनः रीएक्टिवेट करा दिया गया है। अपने सिपाही दरोगा जो थाना इंचार्ज सबको संवेदनशील जागरूक किया गया है और सबको जो कोविड से संबंधित सामग्री भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो बढ़ती जा रही है, इसलिए तो हम लोग सभी फैसिलिटीज़ को व्यवस्थित करा रहे हैं। खासतौर पर जो टीबी हॉस्पिटल है L2 लेवल में है, वहाँ तो 90 बेड का व्यवस्था तो हो गया है। आज से उसका मरीज भी रखना शुरू कर देंगे। वहाँ वेंटिलेटर, ऑक्सीजन इत्यादि का सप्लाई पहले से है और उसको सचेत किए हैं और बाकी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल को भी बढ़ाते जा रहे हैं। और आपसे बस यही अपील करता हूँ, देखिए संख्या बढ़ती जा रही है, रोज़ाना तो डबलिंग हो जा रहा है। बिना मास्क को घर से बाहर मत निकलिए, 9 बजे के बाद खतई आप घर से बाहर नहीं निकलना है ताकि कर्फ्यू लगी हुई है। और 2 गज का दूरी है, हाथ का बार बार साफ करें, ज़रूरत है तब घर से बाहर निकलिए, नहीं तो मत निकलिए। आगे जो आने वाले 1 सप्ताह 10 दिन हम लोगों के लिए काफ़ी संवेदनशील चुनौतीपूर्वक रहेगा, आपको सहयोग हम चाहता हूँ।